विटामिन B12 को ज्यादातर लोग मांसाहारी सोर्स विटामिन ही मानते हैं, लेकिन काफी शाकाहारी चीजों में भी विटामिन B12 पाया जाता है। मगर हैरानी इस बात की है कि काफी लोगों को इसकी पूरी जानकारी नहीं है। वैज्ञानिक रिसर्च में भी इस बात का खुलासा हुआ है कि कई शाकाहारी चीजों में भी विटामिन B12 की अच्छी मात्रा है। विटामिन B12 हमारे शरीर के लिए सबसे जरूरी विटामिन इसमें से एक है, इसलिए ये जानना भी जरूरी है कि क्या शाकाहारी रहकर भी विटामिन B12 की पूर्ति हो सकती है या नहीं। पहले ये जान लीजिए कि हमारे शरीर को रोजाना 2.4 माइक्रोग्राम विटामिन B12 की आवश्यकता होती है, और आवश्यकता से अधिक खाया गया विटामिन B12 साइड इफेक्ट नहीं करता है, बल्कि जरूरत से ज्यादा खाया गया विटामिन B12 हमारे शरीर के अंगों में, खासकर लीवर में स्टोर हो जाता है और भविष्य में जरूरत पड़ने पर शरीर के अंगों को फिर से मिल जाता है। यानी इस विटामिन को आवश्यकता से अधिक खाकर आप लंबे समय तक के लिए अपने शरीर में ही स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि जब आप विटामिन B12 वाला खाना नहीं खा रहे होते हैं तब शरीर में स्टोर ये विटामिन B12 आपके काम आ जाएगा। हालांकि ज्यादातर विटामिन B12 मांसाहारी खाद्य पदार्थों में ही पाया जाता है, लेकिन अगर आप शाकाहारी हैं तो भी आप रोजाना विटामिन B12 की पूर्ति कर सकते हैं और शरीर में भविष्य के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले ये जान लीजिए कि मीट और सी फूड के बाद ये दूध और दूध से बनी चीजों में अच्छी मात्रा में पाया जाता है। भैंस या गाय के आधा लीटर दूध में 2.8 माइक्रोग्राम विटामिन B12 होता है, जो दिन भर के लिए काफी है। 100 ग्राम पनीर में भी 3.4 माइक्रोग्राम विटामिन B12 मौजूद है, जो कि एक दिन से भी ज्यादा के लिए शरीर में विटामिन B12 की पूर्ति कर सकता है। 100 ग्राम मट्ठा यानी छाछ में भी 2.5 माइक्रोग्राम विटामिन B12 होता है, जो कि एक दिन की पूर्ति के लिए काफी है। और 250 ग्राम दही में ये लगभग 1.5 से 2 माइक्रोग्राम तक पाया जाता है, जो आपके शरीर में विटामिन B12 की पूर्ति कर सकता है। इसके अलावा ये भी जान लीजिए कि मलाई, खोया, मक्खन और देसी घी में भी विटामिन B12 पाया जाता है, इसलिए विटामिन B12 कुछ स्वादिष्ट तरीकों से भी मिल सकता है, क्योंकि दूध से बनी मिठाइयों में भी जैसे कि रबड़ी, रसमलाई, बर्फी, चमचम और भी कई मिठाइयां हैं जो दूध या खोए से बनती हैं, इनमें भी विटामिन B12 पाया जाता है। दूध वाली चाय में भी विटामिन B12 की कुछ मात्रा होती है, मगर एक बड़े लस्सी के गिलास में तो 2 माइक्रोग्राम तक विटामिन B12 होता है, जो लगभग एक दिन के लिए काफी है। और साथ ही दूध से बनी आइसक्रीम के एक कप में भी 0.7 माइक्रोग्राम विटामिन B12 होता है, यानी लगभग 3 कप आइसक्रीम से भी दिन भर के लिए विटामिन B12 मिल सकता है। ये भी याद रखिए, सोया मिल्क से भी विटामिन B12 हासिल किया जा सकता है। साथ ही टोफू भी विटामिन B12 का एक बड़ा सोर्स है। 100 ग्राम टोफू से भी एक दिन से ज्यादा का विटामिन B12 मिल सकता है। इसके अलावा 45 मल्टीग्रेन ब्रेड और वे प्रोटीन पाउडर भी इसके अच्छे स्रोत हैं। अगर 1 किलोग्राम आटे में 100 ग्राम वे प्रोटीन पाउडर मिला दिया जाए तो इससे भी विटामिन B12 का पोषण मिल जाता है। और साथ ही बाजार में बिकने वाले नाश्ते के लिए तैयार अनाजों में, जैसे कि नाश्ते में इस्तेमाल होने वाला कुछ प्रकार का दलिया, पोषक खमीर और ब्रेड में विटामिन B12 की शक्ति होती है, क्योंकि यीस्ट यानी कि खमीर में भी विटामिन B12 होता है, इसीलिए खमीरीकृत करके बने ब्रेड में विटामिन B12 पाया जाता है। और खमीर शाकाहारी लोगों के लिए विटामिन B12 का एक बेहतरीन स्रोत है, इसलिए भोजन में कभी कभी खमीरी रोटी यानी कि नान रोटी भी ले लेनी चाहिए और स्पाइरुलिना भी ले लिया करें तो अच्छा है।
जान लीजिए कुछ अंकुरित दालों और अंकुरित अनाजों में भी विटामिन B12 मिलता है, मगर यहाँ पर ध्यान रहे कि सिर्फ अंकुरित अनाजों में ही विटामिन B12 की कुछ मात्रा पाई जाती है। वैसे ये विटामिन अनाजों में नहीं पाया जाता है और ये विटामिन सब्जियों और फलों में भी नहीं पाया जाता है। हालांकि वैज्ञानिक रिसर्च के मुताबिक ये जमीन के भीतर उगने वाली कुछ सब्जियों में जैसे आलू, मूली, सलजम, चुकंदर आदि में आंशिक रूप से पाया जाता है, मगर ये मात्रा काफी कम होती है और उस पर भी विटामिन B12 उस मिट्टी में भी मौजूद हो जिसमें ये सब्जियां उगाई गई हो, तब ही विटामिन B12 इन सब्जियों में मिलता है, वरना सामान्य तौर पर ये विटामिन सब्जियों और फलों में नहीं पाया जाता है। यानी सब्जियों और फलों से इस विटामिन की जरूरत को पूरा नहीं किया जा सकता है। जान लीजिए कि इसके मुख्य सोर्स एनिमल मीट और एनिमल प्रोडक्ट ही हैं और ये मांसाहारी खाने में ही सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन आप शाकाहारी खाने से भी इसकी पूर्ति रोजाना कर सकते हैं। और अगर आप किसी वजह से शाकाहारी खाने से भी इसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं तो इसकी कमी कैप्सूल या टेबलेट से भी पूरी की जा सकती है, क्योंकि काफी कंपनी विटामिन B12 की टेबलेट और कैप्सूल बनाकर बाजार में बेचती हैं और किसी भी मेडिकल स्टोर पर आपको ये आसानी से मिल जाएंगी। और विटामिन B12 की टेबलेट या कैप्सूल खाकर आप इसे अपने शरीर में भविष्य के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। लेकिन अब अगर आप सबसे ज्यादा विटामिन B12 वाले नॉन वेज फूड्स यानी मांसाहारी खाने जानना चाहते हैं तो हमारी दूसरी वीडियो भी देखें। आप भी विटामिन B12 से जुड़ी अपनी जानकारी कमेंट में जरूर लिखें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।